I'm a proud Hindu. And जय श्री राम। इस वक्त पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत आए राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखे जा रहे हर प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के हर देश तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसने भारत को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है और इस तस्वीर के मुख्य केंद्र हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। I'm a proud Hindu. I'm a proud Hindu कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ऋषि सुनक अकेले अक्षरधाम नहीं पहुंचे थे बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद थी। इस दौरान अक्षरधाम मंदिर से ऋषि सुनक और अक्षता सुनक की बेहद खास तस्वीरें सामने आई। अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रक्षा सूत्र बंधवाया, दंडवत प्रणाम किया, आरती की और नंगे पैर पूरे मंदिर परिसर की सुंदरता को भी देखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 7:45 बजे अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और ठीक 7:43 पर मंदिर से निकले। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने करीब 52 मिनट का समय मंदिर परिसर में व्यतीत किया। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर प्रोफेसर जनक दवे ने ऋषि सुनक को एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हमारे साथ अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जनक दवे साहब। दवे साहब, ऋषि सुनक साहब यहाँ पर पहुंचे थे, कितने बजे वो पहुंचे, कितनी देर तकरीबन रहे, क्या क्या गतिविधियां हुई? देखिए, वो 6:30 और 7 के बीच में आए और यहाँ करीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर वो यहाँ रहे, लेकिन 90% ऑफ उनका समय मंदिर में गया। अच्छा, उनको मंदिर में ही बहुत 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 दर्शनीय स्थान महसूस हुआ और दर्शन ही करने थे। तो मंदिर में हमारे जो मुख्य मंदिर में गुरु परंपरा और भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति है, उसके उपरांत हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत अच्छी मूर्ति है, सीताराम की बहुत अच्छी मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की बहुत अच्छी मूर्ति है, पार्वती परमेश्वर और गणपति जी की मूर्ति है। तो वहाँ उन्होंने मंदिर में आरती भी की और हर जगह पे पुष्पांजलि रखी। हालांकि इस बात का संकेत ऋषि सुनक पहले ही एक इंटरव्यू में दे चुके थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं इसी तरह पला बढ़ा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। मैंने रक्षाबंधन मनाया था, समय न होने की वजह से मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया था, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भरपाई किसी मंदिर में जाने से होगी। यह विश्वास ही है जो हमें मजबूती देता है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my rakhis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. Aur Nayi Delhi mein Akshardham Mandir pahunchkar Britain ke Pradhan Mantri Rishi Sunak ne interview mein kahi us baat ko sach bhi kar diya. ऋषि सुनक का सनातन धर्म पर विश्वास कितना मजबूत है, इसकी तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। पिछले महीने 15 अगस्त को ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का नारा भी लगाया था। ऋषि सुनक ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की राम कथा में आना उनके लिए सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में। बापू, जय श्री राम। बापू, आई एम हियर टुडे नॉट एज प्राइम मिनिस्टर बट एज अ हिंदू। जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक हुकूमत की, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। पिछले साल दिवाली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इसी दिन उन्होंने एक बहुत खास मैसेज दिया था।
ऋषि सुनक ने एक ट्वीट में लिखा था कि वो ऐसा ब्रिटेन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जहां बच्चे दिए जला सकें और भविष्य को आशा के साथ देख सकें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त भारत में हैं और भारत ब्रिटेन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं।